Assalamu alaikum, grade 3. Welcome to your science class, grade 3. This is week 2, day 3, Wednesday, 20 January 2021. And we are revising your unit number 4, food and diet. Abhi humne is chapter mein previously kya discuss kiya tha? Yes, we discussed about the food and the nature of food, animal types, omnivorous, carnivorous, and herbivorous. Now, today we will discuss about the structure of teeth and their functions. स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शन क्या करते हैं. यूजिंग टीथ, ओपन योर माउथ एंड फील योर टीथ. अपना मुंह खोलें और अपने टीथ को महसूस कीजिए. और लुक एट देम इन अ मिरर. जब हम मिरर में देखेंगे तो हमारा माउथ कुछ इस तरह का दिखेगा. नॉट ऑल ऑफ योर टीथ आर द सेम शेप एंड साइज. आप देख रहे हो तमाम के तमाम जो आपके टीथ हैं दे आर नॉट सिमिलर इन शेप एज वेल एज इन साइज. ना तो इनकी शेप सिमिलर है ना ही इनका साइज सिमिलर है. So they have the different names as well as they perform the different functions. इनका नाम भी अलग होता है और इनके functions भी अलग अलग होते हैं. At the starting जो आपके mouth में दिख रहे होते हैं they are known as incisor. What they are called? Incisor. Then you have the pointed teeth which are known as canine. Then you have the premolars and have the molars. Means that the human beings have four different types of teeth. Incisor, canines, molars and premolars. The human mouth has 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. Okay, इस तरह की होती है हमारे पास जो teeth हमारे mouth में जो हमारे पूरे teeth मौजूद होते हैं. Function of teeth क्या है? Teeth help us chew, हमें चबाने में मदद करते हैं. Tear, हमें फाड़ने में मदद करते हैं. And grind the food. हम जब मुंह में अपनी कोई भी चीज डालते हैं तो what we do? First of all we bite that. With the help of incisor, then we chew, हम उसे चबाते हैं. Sometimes if it is meat, तो हम उसको tear करते हैं. Then we grind. Okay? So teeth give support to our mouth muscles and keep them in place. Teeth help us speak clearly. अगर मुंह में दांत नहीं होते समझे आप देखो जिससे हम बुढ़े होते जाते हैं हम नाना नानी दादा दादी जो होते हैं हमारे तो उनके मुंह के दांत आहिस्ता आहिस्ता टूटते जाते हैं तो दे फील डिफिकल्टी टू स्पीक एज वेल एज हमें भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है. सो टीथ का एक और फंक्शन क्या होता है कि उसकी वजह से हमारी जो स्पीकिंग होती है वो क्लियर हो जाती है. हमारे माउथ के मसल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं और हमारी फूड को टेयर करने में च्यूइंग करने में ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. सो एनिमल्स हैव फोर मेन टाइप्स ऑफ टीथ कैनाइन इंसाइजर्स मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. नॉट ऑल एनिमल्स हैव ऑल फोर टाइप्स ऑफ टीथ एंड एनिमल्स टीथ आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स. अब जनाब क्या स्टोरी में डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये फोर टाइप्स ऑफ टीथ तो ओमनीवोरस के लिए हैं. क्यों? बिकॉज वी आर ओमनीवोरस. वी ईट प्लांट्स एंड मीट बोथ. हम प्लांट्स भी खाते हैं हम एनिमल्स भी खाते हैं. गोश्त भी खा रहे होते हैं ना चिकन भी खाते हैं बफेलो का मीट भी खाते हैं हम वी काउ ईट और जो है बकरे का गोश्त भी खाते हैं. सो वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एज फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड मीट. तो हमारे पास ये चारों काम होते हैं. बट सम एनिमल्स हैव थ्री और सम हैव फोर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैनाइंस. कैनाइंस आर लॉन्ग एंड शार्प. कैनाइंस आर लॉन्ग एंड शार्प. दे आर गुड फॉर टियरिंग मीट. एनिमल्स दैट किल अदर एनिमल्स नीड हेल्दी कैनाइन टीथ. ये देख रहे हैं ये जो है आपके पास वॉल की पिक्चर बनी हुई है तो इनके पास कैनाइंस होते हैं बिकॉज दे हैव टू टियर द मीट. ओके ये स्ट्रक्चर है आपके कैनाइन का. द रूट ऑफ अ टूथ इज एम्बेडेड इन द गम. व्हाट यू सी इज द क्राउन. ठीक है अभी हम देखते हैं इसमें. फॉक्सेस एंड वॉल्स हैव शार्प कैनाइन. इंसाइजर्स. इंसाइजर्स आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग. दे आर यूज फॉर बाइटिंग कटिंग एंड होल्डिंग. इंसाइजर्स क्या करते हैं बाइट कर रहे होते हैं होल्ड कर रहे होते हैं ठीक है कट कर रहे होते हैं. ह्यूमंस हैव 8 इंसाइजर्स. दे आर लार्ज टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ. हॉर्सेस हैव 12 इंसाइजर्स. हमारे पास 8 इंसाइजर्स होते हैं और हॉर्सेस के पास कितने होते हैं 12 इंसाइजर्स होते हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसाइजर. टू बाइट एंड टू कट एंड होल्ड. नाउ द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. मोलर्स आर फ्लैटर एंड वाइडर देन कैनाइंस एंड इंसाइजर्स. दे आर यूज फॉर चिंग फूड बिकॉज प्लांट्स आर हार्ड टू डाइजेस्ट. हर्बीवोरस हैव मोलर्स दैट ब्रेक द फूड डाउन बिफोर इट इज स्वॉल्वड. आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है. इट इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. तो इसलिए उनके पास क्या होते हैं मोलर्स होते हैं.